अनुपम खेर की आने वाली फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विवादों में घिरी हुई है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई वालों एतराज करने तों बाद इस फिल्म के ट्रेलर से रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में पटीशन दायर करवाई गई है। बागा पुराना विच सिक्ख्या विभाग के सहायक डायरेक्टर सोहन सिंह वालों जदों सरकारी कन्या सैकंडरी स्कूल की अचनचे चैकिंग की गई तो उन्होंने देखा कि कड़ाके की ठंड के बावजूद विद्यार्थियों बाहर वरांडे विच बिठाया होया सी, जिस तों बाद उन्होंने तुरंत खाली पे कमरे विच जमात करवाई और विद्यार्थियों ठंड तो बचाया। इस मौके उन्होंने यह भी पाया कि पंचायती चोणों मौके बैल्ट बुक स्कूल के कमर विच रखे हुए सन, जबकि कुछ कमरे भी खाली सन, परंतु इसके बावजूद विद्यार्थियों बाहर वरांडे विच बिठाया गया। इस दौरान सहायक सिक्ख्या डायरेक्टर स्कूल स्टाफ नू ईवन ब्रिंग वन स्कीम से अमल करने की अपील की। इस मौके से उन्होंने डीईओ सैकेंडरी प्रदीप कुमार, प्रिंसीपल दिलबाग सिंह, इंचार्ज प्रिंसीपल संदीप कुमार भी मौजूद सन। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सोनिया गांधी के जवाई रॉबर्ट वाड्रा के कथित तौर पर करीबी सहायक मनोज अरोड़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भेजन के लिए अदालत का दरवाजा खड़काया गया है। जानकारी के अनुसार ईडी ने आज अदालत को कहा कि बार बार समन जारी किए जाने के बावजूद मनोज अरोड़ा पूछगिछ करने पेश नहीं हो रहे। ईडी वालों दावा किया गया कि अरोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पैंदे उदयपुर और मनाली नेड़े कोठी विखे भारी बर्फबारी हुई है। उड़ीसा के बारीपदा में एक रैली को संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल मुद्दे को लेकर कांग्रेस से निशाना साधदिया कहा कि रक्षा मंत्री सीतारमन ने देश नाल खिलवाड़ करने वालों नू उजागर किया है, इसलिए वह सीतारमन नू बधाई देते हैं। इस दे नाल ही मोदी ने अगस्ता वैस्टलैंड वीवीआईपी हैलीकॉप्टर सौदे को लेकर कांग्रेस के तिखे हमले करदिया कहा कि समझ नहीं आ रही कि कांग्रेस ने सरकार चलाई जा अपने मिशेल मामा का दरबार चलाया। उन्होंने कहा कि देश की बजाय विचोलिए मिशेल क्रिश्चियन की रक्षा में जिन्हों की भूमिका ज्यादा रही है उन्होंने जांच एजेंसियां करनगियां। बीते दिन नाभा की जेल तो 9 मोबाइल फोन बरामद हुए सन। आज फिर नाभा की दूजी सख्त सुरक्षा जेल तो तलाशी दौरान 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, जो कि कैदियों की बैरक के बाहर मिट्टी में दबे हुए सन। पुलिस ने अणपछाते व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमरीका के कैलिफोर्निया में स्थित गैबल बोलिंग एली में गोलीबारी होने की खबर मिली है। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 होर जख्मी हुए हैं। कैलिफोर्निया के टोरेंस में पुलिस वालों इस घटना की पुष्टि की गई है। पुलिस ने लोगों को इस इलाके से दूर रहने लिए कहा है। बिहार के मोतीहारी जिले में एक खेत में हुए धमाके कारण 4 बच्चों के जख्मी होने की खबर है। जख्मी हुए बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस वालों इस मामले की जांच की जा रही है। अफगानिस्तान के फरियाब प्रांत के अलमर जिले में तालिबान अतवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों वालों की कार्रवाई में 13 अतवादी मारे गए हैं। जानकारी अनुसार सुरक्षा बलों वालों तालिबानी अतवादियों के ठिकाने से छापेमारी की गई है, जिस तो बाद हुई झड़पों में यह अतवादी मारे गए सन। पंजाब हरियाणा में कड़ाके की ठंड पै रही है। हरियाणा का नमोल खेत्र में सब तो ठंडा रिकॉर्ड किया गया। नमोल में तापमान 3.5 डिग्री सैलसीयस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अमृतसर में 4 डिग्री सैलसीयस रिकॉर्ड किया गया। इस तो इलावा दोवे सूबे के कई हिस्सों में संघनी धुंध की चादर विछी दिखाई दी, जिस कारण हवाई रेल और सड़की आवाजाई प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने भलके ऐतवार वख-वख हिस्सों में मीह नाल गड़ेमारी होने का अंदेशा प्रगटाया है, पर इस दे नाल ही संघनी बेहद संघनी धुंध की भी पेशीनगोई की गई है।